हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन बाय एसएसबी क्रैक एग्जाम। आई एम चेतन अपूरव एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड इंडिया के रिलेशन उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम। सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द मेजर डिफरेंशिएटेड एग्जामिनेशन लाइक एफकैट, एनडीए एंड सीटीएस। फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्सेज दैट वी ऑफर यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट learn.ssbcrackexams.com। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी क्रैक एग्जाम्स For more videos and current affair videos update. You can also follow us on Instagram at SSB Crack Exams and don't forget to download our Android app from Google Play Store SSB Crack Exams. And let's start. सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया के नेबर्स की तो टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया है। पहले है हमारे मेन लैंड नेबर्स जिनके साथ इंडिया लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, एंड देन वी हैव सी नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो जो लैंड नेबर्स है उसमें वी हैव नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। हम एक एक करके इन सारी 9 कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है इंडिया की उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मोस्ट फेमस वन, दैट इज इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इट गोज बैक टू 1947। एवर सिंस जब से हमें फ्रीडम मिली है, इंडिपेंडेंस हम इंडिया को मिली है, उसके बाद से ही जो बॉर्डर के इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो हमेशा से डोमिनेट किए हैं। उस इश्यू ने हमेशा बाकी रिलेशंस को, बाकी सेक्टर के रिलेशंस को, बीट डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर ट्रेड रिलेशंस, उन सब को जो बॉर्डर की इशू है उसने डोमिनेट किया है स्टार्टिंग से। बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है स्टार्टिंग से, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो इंडिया जो है वो बॉर्डर नॉर्दर्न पार्ट से लेकर वो वेस्टर्न पार्ट तक शेयर करती है अपटिल अरेबियन सी, एंड देन उसके बाद बॉर्डर की जो टोटल लैंड लेंथ है दैट इज 3343 किलोमीटर्स एंड इट गोज थ्रू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, देन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, देन उसके बाद पंजाब का कुछ पार्ट, देन ऑफकोर्स राजस्थान एंड देन गुजरात, राइट। तो ये जो इंडियन स्टेट्स हैं वो शेयर करती हैं बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का जो कैपिटल है ऑफकोर्स इट इज इस्लामाबाद, राइट। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान की जो रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन कैसी रही है उसके बारे में। तो इंडिया हैज फॉलोड अ कंसिस्टेंट प्रिंसिपल पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इन कीपिंग इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया ने हमेशा से स्टार्टिंग से पीस बनाने की कोशिश करी है, बट इंडिया की सिर्फ एक कंडीशन शुरू से रही है, दैट इज इट द एनवायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम टेरर, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस, जो कि हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में। हमेशा से कुछ ना कुछ इंट्रूजन्स रहे हैं या फिर टेरर सपोर्ट रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट विजिट्स भी रेगुलर टाइम पे होते रहे हैं। मैं बहुत सारी लंबी हिस्ट्री पे नहीं जाऊँगा, बहुत रिसेंट टाइम की बताऊँगा कि जब से there was a time when PM Narendra Modi he got elected for the first time, उन्होंने invite किया था जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे नवाज शरीफ को for swearing in ceremony। फिर उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक टू मिस्टर इमरान खान जब वो से इलेक्टेड हुए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑन 30 जुलाई 2018 पाकिस्तान में। फर्दर फिर पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया था, फिर 30 जुलाई 2018 को ये इंडिया की तरफ से कॉल किया गया था, फिर 14 सितंबर सेम ईयर को यूएन में मीटिंग्स हुई थी, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट एज ऑफ नाउ करेंट सिचुएशन ये है कि रेगुलर इंट्रूजन्स की वजह से, इन्फिल्ट्रेशंस की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट की वजह से, इंडिया ने अपनी ट्रेड जो टाइज हैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। एंड स्पेशली पाकिस्तान ने दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इवन नॉर्मल ट्रेड्स जो कि पहले हुआ करती थी उसे भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। एंड आफ्टर 7th of August 2019 एंड स्पेशली इस डेट के बाद से पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था जिसको ऑफकोर्स कंडेम किया था इंडिया की तरफ से, एंड उन्होंने बोला था कि वो अपने डिसीजन पे दोबारा सोचे। बट स्टिल एज ऑफ नाउ जो ट्रेड टाइज हैं वो पूरी तरह से बंद है। हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स एक अप्रोच देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली इन द टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफ COVID-19। फर्दर अगर मैं बात करूँ ये रिलेशन में जो भी खटास रही है इंडिया और पाकिस्तान की वो क्यों रही है, तो सबसे बड़ा रीज़न उसका टेररिज्म ही रहा है। ऑल्दो वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे कश्मीर वॉर के नाम से जो फेमस है वो लड़ाई हुई थी, फिर 1965 में, 1971 में फिर से हमारी लड़ाई हुई थी, स्पेशली वो बांग्लादेश लिबरलाइजेशन के टाइम पे हुआ था वो वॉर, फिर 1999 तो जो करगिल का वॉर हुआ था। ऑल्दो वी हैव वन ऑल द वॉर्स, बट स्टिल इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वॉर के साथ वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ही रही है। एंड सबसे बड़ा रीज़न उसका अगेन वही रहा है कि इन्होंने कॉन्स्टेंटली
टेररिज्म को सपोर्ट किया है, इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया है, चीज़ों को हाइड किया है, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इन स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे, टेररिस्ट अटैक्स थे जो कि जो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई टेरर अटैक या फिर पुलवामा टेरर अटैक या फिर उरी में जो हमला हुआ था, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान करती है जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं उसमें हमेशा ऑब्स्टेकल्स आते रहे हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ ट्रेड रिलेशंस की, तो अप टिल 2018 एंड 19 यानी कि ट्रेड रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज में बंद होने से पहले तक, अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूँ इंडियन एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया ने $2 बिलियन के वर्थ का एक्सपोर्ट सॉरी पाकिस्तान को किया था, और वही उसका सिर्फ 1/4 दैट इज ऑलमोस्ट 0.5 बिलियन, $500 मिलियन का इम्पोर्ट इंडिया ने पाकिस्तान से किया था। तो क्लियरली देर इज समथिंग विच इज अ लॉस फॉर पाकिस्तान ओनली, अगर उन्होंने ट्रेड टाइज बंद की है तो ऑफकोर्स इंडिया का भी कुछ ना कुछ नुकसान है। खैर ये तो होगी हमारी ट्रेड रिलेशन एंड दिस इज द रिलेशन अबाउट पाकिस्तान। फर्दर अगर मैं बात करूँ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान, स्पेशली सबसे रिसेंट डेवलपमेंट और एक गुड न्यूज़ आप बोल सकते हो वो ये थी कि करतारपुर कॉरिडोर विच वॉज अ डिमांड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। करतारपुर कॉरिडोर बेसिकली एक यू कैन से रिलीजियस प्लेस है सिखों के लिए, दैट इज एक्चुअली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ये अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, तो एक्चुअली पाकिस्तान में है, एंड वहाँ से लेकर बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक जो विजिट के लिए परमिट मिल जाए, जो सिख लोग हैं उन्हें विजिट के लिए परमिट मिल जाए, करतारपुर कॉरिडोर उसका नाम दिया गया। एंड ऑफ कोर्स फाइनली जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अग्री किया इस चीज़ पे, एंड उसके बाद जो करतार साहिब कॉरिडोर है उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री जो हमारी नेबर की है वो है हमारी अगेन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करती है, लैंड बॉर्डर जो शेयर करती है वो बहुत ही थोड़ी सी है, दैट इज ऑलमोस्ट जस्ट 106 किलोमीटर्स, एंड ऑल दो दैट इज ऑल्सो इन करेंटली बियॉन्ड LOC रीजन। एंड करेंटली जो बोल सकते हो अब रोड रूट अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, एंड अफगानिस्तान का जो कैपिटल है इट इज ऑफकोर्स काबुल। एंड फर्दर अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो इंडिया की अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है, स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं, एंड स्पेशली ये स्ट्रेंथन हुई थी कब कब हुई थी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो कि अक्टूबर 2011 में हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में जब साइन हुआ था, उसके बाद से स्पेशली जो टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी। एंड SPA के बाद हुआ क्या कि बेसिकली इसमें इंडिया ने अग्री किया कि दे विल प्रोवाइड असिस्टेंस इन रीबिल्डिंग अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस या फिर एजुकेशन या फिर टेक्निकल असिस्टेंसेस टू रीबिल्ड इंडिजीनियस अफगान कैपेसिटी इन डिफरेंट एरियाज, एंड ऑल्सो इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला कि दे विल प्रोवाइड इंडिया ने ये भी बोला कि दे विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट, विच इज ऑफ कोर्स वी नो दैट इंडियन मार्केट इज सो ह्यूज एंड इट हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर ऑलमोस्ट राइट। तो वो एक बहुत बड़ी एक तरह से असिस्टेंस थी इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, तो ऑफकोर्स विच लेड टू अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। फर्दर अगर मैं ट्रेड रिलेशंस की बात करूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ट्रेड करती है या फिर बोल सकते हो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, फॉर एग्जांपल सैफरन देन एप्रिकॉट्स एंड फ्रेश ग्रेप्स जो है, इन दोनों का जो ट्रेड होता है वो रेगुलर पीरियड्स पे होता रहता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। एक एयर कॉरिडोर है जो कि फ्लाइट्स के थ्रू जो भी ट्रेड्स होती हैं इन दोनों कंट्रीज में वो होती हैं। फर्दर अगर मैं स्पेसिफिक डेटा की बात करूँ, तो अगर मैं इंडिया की इम्पोर्ट की बात करूँ अफगानिस्तान की तरफ से, तो 2018 में इट वॉज इन US dollar 179 मिलियन, एंड ग्रोथ 26.94% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला था। वहीं अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ अफगानिस्तान की तरफ से, सो इट वाज ऑलमोस्ट ट्रिपल, दैट इज 477 मिलियन US dollars इन 2018, एंड ऑफ कोर्स देर वाज स्लाइट डिक्लाइन प्रीवियस ईयर में 3.35% का, बट ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर चेंजिंग, एंड दिस टोटली डज नॉट मीन एट ऑल की जो रिलेशंस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आई है। रिलेशंस हैज बीन एवर सिंस दिस SPA दे हैव बीन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। फर्दर द नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशन रही है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो एक तरफ इकोनॉमिकल ट्रेड या फिर आप बोलो ट्रेड रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के
ट्रेड्स पे बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, एंड एट द सेम टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी हमारी बहुत ज्यादा दोनों ही कंट्रीज के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ हर एक महीने दो महीने के बाद कोई ना कोई इशू होती रहती है, बीट द LAC रीजन या फिर जो ढोकलाम का इशू हुआ था सिक्किम बॉर्डर पे, देन या फिर अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, रीजन हो गया, वहां पे भी ये बॉर्डर इश्यूज हमेशा से रही हैं। तो दो एक तरह से आप बोल सकते हो पर्सपेक्टिव है, दो पहलू हैं एक इंडिया और चाइना के रिलेशन की, एक कि इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड दूसरी ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी एट द सेम टाइम हमेशा होती रहती हैं। अगर मैं बॉर्डर लेंथ की बात करूँ तो इंडिया में लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड नॉर्दर्न रीजन में ये शेयर करती है इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान चाइना के साथ, एंड देन सिक्किम का कुछ पार्ट, देन फर्दर अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं वो शेयर करती हैं अपनी बाउंड्रीज चाइना के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। टोटल लेंथ जो है वो 3488 किलोमीटर्स का है। एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में, तो हिस्टोरिकल रिलेशंस रही हैं, बहुत एंशियंट टाइम से वहाँ की जो सिविलाइजेशंस थी उनकी रिलेशन रही है इंडिया के साथ। एंड ऑफ कोर्स 1950 में जब 1 अप्रैल 1950 को इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री जिसने चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, राइट। एंड देन प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, नेहरू जी थे, उस समय उन्होंने चाइना में विजिट किया था 1954। उसके बाद से ऑफ कोर्स रिलेशन अच्छी हुई थी, बट अगेन 1962 में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में उसकी वजह से एक सेटबैक था वो इंडिया चाइना के रिलेशन में। बट स्टिल अगेन आफ्टर PM राजीव गांधी ने जब विजिट किया था 1988 में, एंड देन अगेन फिर से जो ट्रेड रिलेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा पीक की एंड उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ऑल्सो इन 1993 द साइनिंग एग्रीमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव्स विजिट रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग स्टेबिलिटी इन बायलेटरल टाइज। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज ने फाइनली अग्री किया लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनफैक्ट जो लद्दाख रीजन में है उस पे अग्रीमेंट किया, एंड उसके बाद से जो टाइज हैं वो उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं एक्सेप्ट द बॉर्डर इश्यूज जो कि करेंटली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ट्रेड की बात करें विच इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों ही होता है। अगर मैं बिलियन डॉलर्स की बात करूँ तो बिलियन डॉलर्स में ट्रेड है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। 2019 में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना यानी इंडिया ने चाइना को 16.32 बिलियन US डॉलर वर्थ का सामान एक्सपोर्ट किया है, एंड वही 51.68 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द एक्सपोर्ट इन्होंने इम्पोर्ट किया, सॉरी 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑलमोस्ट 68 बिलियन US डॉलर को इन्होंने इम्पोर्ट किया इंडिया ने। तो दिस शोज की कितना ज़्यादा यू नो ट्रेड रिलेशन है, कितना हैवी ट्रेड रिलेशन है दोनों ही कंट्रीज में, एंड बोथ द कंट्रीज उन और उन दोनों की इकोनॉमी हैविली रिलाई करती है एक दूसरे के ट्रेड रिलेशन पे, राइट। फर्दर अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में इंडिया की तरफ से ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या फिर ओर स्लैग्स या फिर एशेज हैं, नेचुरल पर्ल्स हैं, फिर फैब्रिक्स हैं या फिर फिश एंड क्रस्टेशियस मोलस्क्स एंड अदर एक्वेटिक इन्वर्टेबेस, बेसिकली फिशरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। फर्दर अगर मैं इंडिया उन चीज़ों की बात करूँ जो इंडिया में इम्पोर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक मशीनरीज या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस मोबाइल सेक्टर्स वी नो ऑल दैट उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीन्स एंड मशीनरीज, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती है इंडिया चाइना की तरफ से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया बहुत सारी ऐसी IT सर्विसेज भी हैं जो कि चाइना को प्रोवाइड करती है जिसपे चाइना की इकोनॉमी भी हैविली डिपेंड करती है, राइट। फॉर द नेक्स्ट कंट्री इज नेपाल। नेपाल के साथ अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स नॉर्दर्न रीजन में नेपाल है जहाँ से इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ, उत्तराखंड का स्टेट, देन फॉर द उत्तर प्रदेश मैक्सिमम पार्ट, देन कुछ पार्ट ऑफ सिक्किम एंड देन कुछ पार्ट ऑफ बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं ये अपने बॉर्डर शेयर करती हैं नेपाल के साथ। टोटल बॉर्डर लेंथ की मैं बात करूँ तो 1751 किलोमीटर्स का बॉर्डर लेंथ है। हमेशा से जो इंडिया और नेपाल का रिलेशन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, बट रीसेंट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि वो सिर्फ लिपुलेख रीजन में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है जब BRO ने कैलाश मानसरोवर रोड प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, उस टाइम पे कुछ मिसकनसेप्शंस आप बोलो या फिर कुछ डिस्प्यूट्स जो थे बॉर्डर के वो हुए थे। ऑल दो दोनों ही कंट्रीज ने एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है उसमें एंड उस पर बात चल रही है अभी, एंड मोस्ट लाइकली वो रिजॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से, सो नॉट अ रीजन ऑफ कंसर्न। फर्दर अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा
ट्रेड ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट किया है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया है नेपाल को। इवन जब अर्थक्वेक आए थे वहाँ पे, तब भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस दिया था। प्लस उसके अलावा भी नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिला है इंडिया की तरफ से। अगर टोटल ट्रेड की मैं बात करूँ तो 2017-18 सबसे लेटेस्ट डेटा अगर मैं बात करूँ तो 53,526 करोड़ रुपीज़ का जो आप बोलोगे ट्रेड रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के बीच में, वो रहा है उस साल पे। एंड ऑफकोर्स देर हैज़ बीन अ ग्रोथ इन ऑफ ऑलमोस्ट 26.9% इन दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट? तो दिस शोज अ पॉजिटिव ग्राफ। फर्दर नेक्स्ट इज, और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएं तो नेक्स्ट कंट्री इज भूटान, जिसके साथ इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करती है। भूटान के साथ जो बॉर्डर लेंथ है, दैट इज ओनली 699 किलोमीटर्स। एंड भूटान हैज ऑलवेज बीन अ पीसफुल कंट्री, एंड काफ़ी टाइज हमारी अच्छी रही हैं। एंड बेसिकली जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा स्टार्ट हुआ भूटान के साथ, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1968 विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिस ऑफ इंडिया इन थिम्पू, विच इज द कैपिटल ऑफ भूटान। वहाँ पे स्पेशल ऑफिस इंडिया का स्टैब्लिश किया गया 1968 में, तब जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारी स्टार्ट हुई। उसके बाद बेसिक फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ इंडिया भूटान बायलेटरल रिलेशन की, तो वो स्टार्ट हुई आफ्टर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विच वॉज साइंड इन 1949 बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड फिर से उसे रिवाइज किया गया था फरवरी 2007 में। नेक्स्ट कंट्री इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न साइड विच इज म्यांमार। म्यांमार के साथ भी काफ़ी अच्छी रिलेशंस रही हैं हमारी शुरू से। एंड बॉर्डर लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल बॉर्डर लेंथ 1,643 किलोमीटर्स की है म्यांमार के साथ। एंड रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, स्पेशली इंडियन म्यांमार ट्रेड एग्रीमेंट जो 1970 में हुआ था, उसके बाद से बाइलेटरल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हमारी इंक्रीज हुई। अगर मैं टोटल ट्रेड की बात करूँ तो इट इज़ 1,605.84 इन मिलियन US मिलियन डॉलर्स, ठीक है, एज ऑफ 2017 एंड 18। ऑल्दो देर इज अ डिक्लाइन इन यू नो ग्रोथ, -26.17% का डिक्लाइन है ग्रोथ में जो ट्रेड रिलेशन है उसके ग्रोथ में, बट ऑफ कोर्स उसके भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, इंटरनेशनल रीजंस हैं, जिसको मैं अभी एक इतने कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट देर आर वन वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि अभी पाइपलाइन में है, दैट इज इंटरनेशनल रोड बिटवीन और इंटरनेशनल हाईवे बिटवीन इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड, एंड ऑल्सो लाओस को भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। अभी बातें ये चल रही हैं, पाइपलाइन में है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ दिस हैपेंस एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रिलेशन क्रिएट हो जाएगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड एंड लाओस इन चारों कंट्रीज के बीच में, राइट? फर्दर हम आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट कंट्री इज ऑफकोर्स बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश इज वन सच कंट्री जिसके साथ इंडिया की मैक्सिमम बॉर्डर लेंथ यू नो शेयर करती है, 4,096.7 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। एंड बांग्लादेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ ही अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट डैट यू मस्ट नो। फर्दर अगर हम बात करें रिलेशंस के बारे में, तो इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशन भी काफ़ी अच्छी रही है। बांग्लादेश को लिबरेशन वॉर में 1970 के टाइम में 1970s में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। फर्दर अगर हम बात करें इंडिया के रिलेशन विद बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी उसके लिबरेशन वॉर में 1970s में जब हुआ था। फिर अभी के जो करेंट लीडर्स हैं, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, उनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो लीडर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिलेशंस है एट प्रेजेंट। काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिली है इंडिया की तरफ से भी। फॉर एग्जांपल अभी स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो COVID-19 की क्राइसिस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट एंड असिस्टेंस मिला है इंडिया की तरफ से भी। फर्दर एक इशू जो अभी रिसेंट टाइम में रहा है वो रोहिंग्या मुस्लिम्स का रहा है, बट उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। प्लस बॉर्डर ट्रेसपासिंग इसे भी काउंटर किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी एट बॉर्डर दोनों ही कंट्रीज की, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इस चीज़ से परेशान है बॉर्डर ट्रेसपासिंग से। फर्दर बहुत सारे ऐसे बायलैटरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, जो कि इंडिया ने ऑफ कोर्स असिस्टेंस प्रोवाइड करी है बांग्लादेश के लिए, एंड दोनों ही कंट्रीज को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। फर्दर अगर मैं ट्रेड एंड बिजनेस की बात करूँ ओवरऑल, तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट टू इंडिया, डैट इज़ बांग्लादेश एक्सपोर्ट टू इंडिया, यानी इंडिया को मंगाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें 1,248 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ का सामान इंडिया ने मंगाया है, एंड सिर्फ 7,647 का इंपोर्ट किया है, सॉरी एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने बांग्लादेश को, डैट इज 7,647 मिलियन यूएस डॉलर्स। सो दीज वर ऑल द लैंड नेबर्स। अब हम बात करेंगे सी नेबर्स की। द नेक्स्ट वन इज, द फर्स्ट वन इज बेसिकली सदर्न रीजन में हमारा आता है श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, एंड बेसिकली जो एक
आप बोल सकते हो वर्चुअल बॉर्डर है, इट इज क्रिएटेड बाई पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड बेसिकली तमिलनाडु। एंड इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में भी जो रिलेशंस रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं। एंड ऑफकोर्स नॉट जस्ट इन रिसेंट टाइम्स, बहुत ही एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन का, वी ऑल नो दैट। एंड बोथ कंट्रीज हैव अ लिगेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन, राइट। सो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तमिल्स हैं एंड ऑल, तो उस बेसिस पे अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम पे आप ट्रेस कर सकते हो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को। बट इन रिसेंट ईयर्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैव ग्रोन एंड देर इज कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कल्चर एंड डिफेंस, स्पेशली आफ्टर ईयर 2000। क्यों स्पेशली मैं 2000 ईयर बोल रहा हूँ तो उसका भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फोर्सेज एंड द LTTE केम टू एन एंड इन May 2009। वी ऑल नो दैट सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन इन श्रीलंका एंड बहुत टाइम तक श्रीलंका परेशान थी एंड 2009 मई में फाइनली दे वर एबल टू गेट रेड ऑफ LTTE। एंड इसके लिए LTTE के अगेंस्ट लड़ने के लिए श्रीलंका के लिए इंडिया ने बहुत सारी असिस्टेंस करी थी, मिलिट्री असिस्टेंस हो, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस हो, इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया था इन फेवर ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। सो दिस ऑल्सो मेक्स इंडिया एंड श्रीलंकन टाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड ऑफकोर्स स्ट्रॉन्गर। फर्दर अगर हम बात करें अभी रिसेंट ट्रेंड्स में क्या है, तो चाइना का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन में। अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका का जो लोकेशन है बेसिकली, क्योंकि वो बिल्कुल सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में है एंड इंडियन ओशन से बिल्कुल मॉनिटरिंग पोजिशन पे है श्रीलंका का जो लोकेशन है, स्ट्रैटेजिकली जियो पॉलिटिकल रिलेवेंस टू सेवरल मेजर पावर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। बट रिसेंट टाइम्स में बेसिकली क्या है, जब राजपक्षा की सरकार थी श्रीलंका में, तब चाइना के साथ बहुत ज़्यादा उनके यू कैन से इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उनके साथ जो बायलैटरल ट्रेड से उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। और उसमें सबसे बड़ा एक नोटिसिएबल जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिखा था वो दैट वाज हम्बन टोटा पोर्ट, जो कि चाइना ने पूरी तरह से खुद के खर्चे पे बिल्ड किया था। उसका रीज़न भी एक बहुत बड़ा ये था कि इससे चाइना को इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा यू कैन से मॉनिटरिंग हब मिल जाता, मॉनिटर करने के लिए एक पॉइंट मिल जाता, प्लस इंडिया के अगेंस्ट भी काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक नेवल एडवांटेज भी उनको मिल जाता, और इस पोर्ट से ऑफकोर्स उनको एक अपर हैंड मिलता इंडिया के अगेंस्ट, तो विच वॉज ऑफकोर्स इंडिया वुड नॉट हैव लाइक दैट। एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी उस टाइम पे। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट इनसर्कलिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस इन द इंडियन ओशियन, एंड ऑफकोर्स उसी का एक पार्ट था हबन टोटा में चाइना की तरफ से पोर्ट बनाना। बट आफ्टर 2015 श्रीलंका स्टिल रिलाइज हेवली ऑन चाइना। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ से ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा टाइम डिले होने की वजह से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने चाइना को प्रेफर किया, बिकॉज उनके इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑफकोर्स हर कंट्री वही चाहती है, बट और भी बहुत सारी रीजंस हैं जो कि मैं अभी इतने कम टाइम में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। एनीवेज, फर्दर मूविंग अहेड, अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि श्रीलंका की तरफ से इंडिया जो है दैट इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, स्पेशली अगर मैं सार्क कंट्रीज की बात करूँ, ठीक है। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट टू श्रीलंका अमाउंटेड टू अप्रॉक्सीमेटली $5.3 बिलियन इन 2015 and 2017, वेर एज इट्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री वर एट 743 मिलियन ऑल्सो। एंड सारी चीजें एस्केलेट कब हुई थी, जब ISTFA दैट इज इंडियन श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच केम इन टू फोर्स इन March 2000। एंड इसके बाद से जो ट्रेड रिलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पिकअप की गई थी, काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हुआ बिल्ड हुआ था दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। एक और एग्रीमेंट है CEPA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, विच इज़ स्टिल इन द पाइपलाइन। एंड इसके साइन होने के बाद ऑफकोर्स जो ट्रेड रिलेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, अभी से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। द नेक्स्ट एंड द लास्ट नेबर जो हमारी सी में है दैट इज़ मालदीव्स, एंड मालदीव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इन इंडियन ओशन ऑफकोर्स। लोकेशन आप देख सकते हो एंड इसको फिर मैंने जूम करके यहाँ पे शो किया है। द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज माले। फर्दर अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशन की, तो काफ़ी अच्छी रिलेशंस रही हैं इंडिया की मालदीव्स के साथ स्टार्टिंग से ही, क्लोज कॉर्डियल एंड मल्टी डायमेंशनल रिलेशन रही हैं स्टार्टिंग से ही। जब 1965 में मालदीव्स इंडिपेंडेंस मालदीव्स को मिली थी, उस टाइम पे इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स,
एंड इट एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री. फर्स्ट कंट्री थी इंडिया जिसने ऐसा किया था. इंडिया ऑल्सो एस्टैब्लिश इट्स मिशन एट लेवल ऑफ सी डी ए इन 1972 एंड रेसिडेंट हाई कमिश्नर इन 1980 एंड मालदीव्स ने फुल फ्लेज हाई कमीशन इन न्यू डेली नवंबर 2004 में ओपन किया था. ठीक है, एंड इसके बाद से दोनों ही कंट्रीज में डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी. फर्दर अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से जो भी असिस्टेंस मिली है ट्रेड के मामले में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल जो नोटिसिएबल चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ. इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि इंडिया के असिस्टेंस से बनाई गई थी 1986 में. फर्दर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि स्टार्टिंग में मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी, वो भी इंडिया के असिस्टेंस से बनाई गई थी. बाद में इसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से चेंज कर दिया गया था. फिर डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस 2004 की सुनामी के टाइम पे इंडिया ने काफ़ी सारा रिलीफ आइटम इंडिया की तरफ से मालदीव्स को गया था, एयर के थ्रू भी एंड इंडियन एयरफोर्स की मदद से भी एंड इंडियन नेवी की वजह मदद से भी. फर्दर अभी के टाइम पे भी रिसेंट की मैं बात करूँ तो मिशन सागर, वी ऑल नो दैट. अगर आपने नहीं देखा है तो हमने एक स्पेशल वीडियो मिशन सागर पे बनाया है, डू वॉच इट ऑन आर चैनल. तो मिशन सागर में भी बहुत सारे यू कैन से रिलीफ आइटम्स दिए गए हैं टू काउंटर द क्राइसिस ऑफ कोविड-19 एट प्रेजेंट. मिलिट्री असिस्टेंस भी मिला था जब 1988 में PLOTE के जो आर्म्ड मिलिटेंट्स थे उन्होंने अटैक किया था मालदीव्स पे एंड देन हॉस्टेज बना लिया था पूरी सिटी को. उस टाइम पे भी इंडियन आर्मी ने बहुत सारे ऑफकोर्स उस समय US प्लस USSR इन सारी कंट्रीज के हेल्प के साथ उन्होंने मालदीव्स पे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी. ओके गाइस, सो दैट्स इट अबाउट ऑल द नेबर नेशंस नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया. तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.